चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी के कारण रोजाना लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर चंबा हलचल द्वारा चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश भारती से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर उनके द्वारा सरकार को सूचित किया गया है और सरकार द्वारा गायनी डॉक्टरों के पद हेतु यह निर्धारित किया गया है कि रोटेशन पद के एक साल के लिए डॉक्टर टांडा या शिमला से चंबा के लिए भेजे जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अन्य पदों के लिए भी उनके द्वारा सरकार से इसी प्रकार की कोई व्यवस्था करने की मांग की गई है ताकि चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की इस कमी को दूर किया जा सके। गायनी में छोड़ के जाने का तो सवाल ये है कि पिछले महीने एक डॉक्टर चड्डा थे जो अपने निजी कारणों के कारण उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और चले गए, और गायनी में फिर हमारे पास दो ही डॉक्टर आ गए। गायनी में क्या हमारे सभी क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं उसमें डॉक्टरों की बहुत ही स्पेशलिस्ट की बहुत ही कमी है, और ये मामला ध्यान सरकार के ध्यान में भी लाया गया है, और इस कमी को मद्देनजर सरकार ने अभी गायनी से मेडिकल कॉलेज टांडा से दो दो डॉक्टर रोटेशन बेसिस पर जो है डिप्यूट किए हैं। अभी वो शायद इसी हफ्ते में ज्वाइन कर लेंगे और एक साल का रोस्टर बन गया है जिसमें दो दो डॉक्टर रोटेशन बेसिस पर टांडा में गायनी डिपार्टमेंट के कार्य करेंगे। गायनी के साथ साथ हमने सरकार के ध्यान में ये भी लाया है कि दूसरे डिपार्टमेंट में भी हमारे को बहुत कमी है, जैसे कि ENT में एक ही डॉक्टर है, उसी प्रकार से मेडिसिन में भी डॉक्टरों की कमी है, एनेस्थीसिया में हमारे पास सिर्फ तीन डॉक्टर रह गए हैं। तो सरकार से ये गुजारिश की जा रही है कि जैसे गायनी में रोटेशन बेसिस पर वो डॉक्टर भेज रहे हैं, उसी प्रकार से एनेस्थीसिया में, ENT में या मेडिसिन में, इन विभागों में भी रोटेशन बेसिस पर जो है वो डॉक्टर या तो टांडा से या IGMC शिमला से रोटेशन बेसिस पर डिप्यूट करें, ऐसे सरकार के ध्यान में मामला लाया गया है।